ट्रू फॉरगिवनेस होती है जिसको आप इंट्रिंसिक या अनकंडीशनल फॉरगिवनेस भी कहते हैं. दिस इज समथिंग जैसा कि जो एनराइट की डेफिनेशन में भी कहा गया था, इट्स अ कॉन्शियस चॉइस वेयर यू गिव अप योर लेजिटिमेट क्लेम फॉर रिटेलिएशन, बदला लेने का जो आपका अदरवाइज राइट बनता है क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ है. सो यू काइंड ऑफ गिव अप दैट पर्टिकुलर राइट and eventually maybe you can substitute it with conciliatory responses. हालांकि हमें ये clearly बार-बार कहा है कि कई लोग मानते हैं conciliation is important, वापस सुलह होना जरूरी है, but बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं for forgiveness to happen reconciliation is not the final end point. जरूरी नहीं है कि आपको reconciliation हो. False forgiveness या pseudo forgiveness on the other hand is outward expression of forgiveness. बाहर से कहना हाँ मैंने माफ कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर यू आर हार्बोरिंग अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट, बदले की भावना, गुस्सा. एंड स्यूडो फॉरगिवनेस जनरली तब तक आप देखते हैं जब भी हम डिफेंस रिएक्शंस भी यूज करते हैं. किस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म्स? जैसे कि रिएक्शन फॉर्मेशन. रिएक्शन फॉर्मेशन जनरली डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो रियल इंपल्स होता है उसके बिल्कुल उल्टा होता है. अंदर से मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ, मैं बदला लेना चाहती हूँ, नहीं कोई बात नहीं, चलो मैंने माफ किया. दैट मीन्स आप बेसिकली डिफेंस रिएक्शन कर रहे हैं, यू नॉट इवन सेइंग दैट यू आर एंग्री. या डिनाइल, अरे कुछ नहीं हुआ, मुझे तो पता भी नहीं चला ऐसा हुआ. सो यू आर डिनाइंग दी रॉन्ग दैट हैज बीन डन. एंड समटाइम्स इवन प्रोजेक्शन, कि आपको ये लगता है कि दूसरे बंदे को यू नो वट एवर रॉन्ग दे हैव डन. यू कई बार हमारा रोल अपना भी होता है उसमें. कई किसी किसी सिचुएशन में लोग कहते हैं पाली वो हाथ से नहीं बचती. फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप ये प्रोजेक्ट करने लग जाते हो दूसरे के ऊपर के मैं इसके साथ बुरा कर रहा है तो इस करके मैं पहले ही माफ़ कर देती हूँ, मैंने ऐसा किया था ना इसलिए इसने ऐसा किया. सो यू कहीं आप जस्टिफाई करने लग जाते हो. दैट इज ऑल्सो स्यूडो फॉरगिवनेस. देन स्यूडो फॉरगिवनेस तब भी होती है जब आप बेसिकली फॉरगिवनेस को सही ढंग से समझते नहीं हैं, या कई बार हमारे बीच में आपस में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं. तो मेन पॉइंट है कि अक्सर हम जब किसी को या तो ट्रूली, ट्रूली का मतलब है ट्रू फॉरगिवनेस जो मैंने पिछली साइड में किया, जहाँ पे आपका हर्ट, ह्यूमिलिएशन, हॉस्टिलिटी को सब रिप्लेस ना हो विद कंपैशन, काइंडनेस एंड लव. जब तक हमारे पास वो चीज़ ना हम पहुँचे तब तक पॉसिबली हम फॉरगिवनेस को सही ढंग से नहीं समझ पाते, आप या जिसको आपने माफ़ करना है उसको. तो स्यूडो फॉरगिवनेस का हिस्सा है कि पहले दूसरा बंदा आपके माफ़ी मांगेगा तो मैं माफ़ कर दूँगी, या उसने जो मेरा नुकसान किया मैं उसका नुकसान कर दूँ तो मैं माफ़ कर दूँगी, या मैं मॉरली इतनी इन्फीरियर नहीं हूँ, तुम्हारे जैसी मीन नहीं हूँ, मैं इसलिए माफ़ करूँगी. ये सारी चीज़ें फॉल्स फॉरगिवनेस है, जहाँ पे बाहर से तो कह देते हो कि माफ़ किया बट एक्चुअल माफ़ी नहीं. Now, a lot of people have also spoken about forgiveness in different dimensions. I'll just go through them. Halanki, sabse important ideas jo humne bilkul shuru mein kiya Matthew Law ka aur Enright ka, they are considered what forgiveness truly is called. But kyunki it's been a journey, even in terms of research, so aap dekho ke bahut sare viewpoints aa rahe hain. Paul Ryan ne kaha hai, agar ek insaan ye keh raha hai ki usne forgive kar diya dusre bande ko, aur usme kya important hai, there is an intention of proving or aggravating that the other person is wicked, then it is actually pseudo forgiveness. What does exactly mean this statement? It simply means कि मैं ये कहती हूँ कि मैंने तुम्हें माफ किया और मैं ये मानती हूँ कि तुमको वही बेकार लगा, तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें माफ किया, नीचा दिखा रहे हो, हाँ, और दूसरे की wickedness को highlight करके कह रहे हो कि मैंने माफ किया, that is not forgiveness, that is pseudo forgiveness. Then Overton और Cunningham ने भी observe किया that there is a distinction between true and pseudo forgiveness. और जब भी कोई इंजर्ड इंसान ये कहता है कि मैंने माफ किया, लेकिन ये कह के कि मैं तो तुम्हारे जितनी नीची नहीं हूँ, छोटी नहीं हूँ, आई एम मॉरली सुपीरियर टू यू, दैट इज ऑल्सो स्यूडो फॉरगिवनेस. सो अब जब कभी किसी से फॉरगिवनेस की बात करेंगे, पीपल डू काइंड ऑफ यू नो रिजॉर्ट टू दीज एक्सप्लेनेशंस, हाँ मैं उसके जैसे थोड़ी हूँ, मैं ही माफ़ कर देती हूँ. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको पता रहे कि एक्चुअल फॉरगिवनेस है या स्यूडो. Then Baumeister ने भी कहा that when we talk about forgiveness, it can be intra-psychic or interpersonal. Intra-psychic मतलब within yourself, silently. ज़रूरी नहीं कि आपको जाके किसी दूसरे इंसान को interpersonally बोलना है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, let's get back together. Intra-psychic forgiveness is closer to what we call true forgiveness. क्योंकि जब आप intra-psychically किसी को forgive करते हैं, the point remains that मुझे वापस उस इंसान के साथ सुलह करनी है या reintegrate होना है वो ज़रूरी नहीं होता. इंटरपर्सनल फॉरगिवनेस होती है जब आपके लिए ज़रूरी होता है, यू विल गो एंड से के चलो जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालते हैं, ख़त्म करते हैं, एंड लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन. दैट मीन्स आप उसको इंटरपर्सनल लेवल पे अचीव कर रहे हो.
हालांकि इंटरपर्सनल फॉरगिवनेस में जरूरी नहीं कि आपकी इंट्रासाइकिक फॉरगिवनेस हो। सो जरूरी बात ये रहती है कि आपको इंट्रासाइकिक के लिए अपने आप को क्लींस करना है, फॉरगिव करना है। सो इंट्रासाइकिक फॉरगिवनेस कैन कम इन लेटर इन इंटरपर्सनल फॉरगिवनेस। कई बार लोगों को लगता है कि चलो शुरुआत करते हैं माफ बोल के मैंने माफ किया एंड देन लेट मी सी जो मेरी इमोशंस आएंगे वो नहीं होता है। पर कई बार हम इमैच्योरली जल्दी फॉरगिव करने की जल्दी करते हैं, मतलब मैंने शायद अपनी हर्ट को महसूस ही नहीं किया या उसको तवज्जो नहीं दी, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी और मैं जाकर बंदे को कहती कि मैंने क्यों माफ किया। पर मन में मेरे हमेशा एक स्टिंग रहता है कि क्यों किया इस बंदे ने, जो कि बार बार लोगों की लड़ाई हो गई या उनकी बहस में भी कई बार। हाँ जी अभिषेक आप कुछ पूछ रहे मैम। लाइक मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ था, मैंने कोई गलती की रिलेशनशिप में, मेरे को लगता है मेरे को अभी तक उस इंसान ने माफ नहीं किया, उस इंसान ने माफ नहीं किया। सो वो फील ना कभी कभी बड़ी बॉटल अप हो जाती है, गिल्टी फील करती है। सो आई थिंक एट योर एंड, क्योंकि ये बार बार रिपीटेडली लोग जिन्होंने फॉरगिवनेस पे रिसर्च किए बार बार कहा है पहले तो भी आर और यू वांटिंग टू फॉरगिव इट शुड बी योर ओन सेक नंबर वन। दूसरा इंसान क्या सोच रहा है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। पर कभी कभी जब हमारे से गलती हुई होती है सीखी फॉरगिवनेस और आपको लगता है कि उस बंदे ने मुझे कम्प्लीटली माफ नहीं किया, दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। हो सकता है उन्होंने माफ ना किया, हो सकता है यू नो, क्योंकि हम क्या करते हैं कि बहुत दफ़ा जब हम माफ़ करते हैं तो दो लोग जो भी होते हैं जिसको माफ़ किया जाता है देर में भी हम बार बार कह रहे हैं कि रिकनसाइल होना जरूरी नहीं है, तो दूसरा इंसान शायद कुछ समय के लिए इनडिफरेंट हो जाता है। इनडिफरेंट का मतलब आपको कोई तवज्जो ही नहीं देते, ना पॉजिटिव अटेंशन ना नेगेटिव अटेंशन, ना मुंह फेरना ना आपकी तरफ देखना, या दे जस्ट फ्रीज से ठीक है वो दो मतलब पता होता है कि आपको बट देन दे बिकम इनडिफरेंट। जब आपके एंड पे आप फॉरगिवनेस शुरू करें, अभी हम आएंगे इस चीज़ के ऊपर कि फॉरगिवनेस इज ऑल्सो एटलीस्ट थ्री फोल्ड होती है किसी भी सिचुएशन में। दूसरे को माफ करने की बात तो हम करते हैं फॉरगिव योरसेल्फ, बिकॉज यू कैन नॉट अचीव कंप्लीट फॉरगिवनेस टिल यू हैव फॉरगिवन योरसेल्फ। तो हम जो भी कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे मे बी यू कैन इमेजिन योरसेल्फ इन द प्लेस ऑफ द पर्सन हु नीड्स टू बी फॉरगिवन, से दैट आई फॉरगिव मायसेल्फ इन एक्शन थॉट एंड, क्योंकि हम आई टोटली एग्री और हमने जब बात शुरू में भी किया था गिल्ट इज सो स्ट्रॉन्ग कि आपको बार बार लगता रहता है मेरे से गलती होगी मेरे से गलती होगी। सो आई थिंक आगे के लिए इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम दैट और रिपीट आगे आप ना करो। देखो गलती मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, गलती करने को हम ये नहीं कभी भी कहते फॉरगिवनेस के नाम पे कि सबको ना, जो गलती है या जो उसका असर है वो शायद कुछ समय तक रहता है हर इंसान, जैसे आपकी जर्नी है सीकिंग फॉरगिवनेस, दूसरे इंसान की जर्नी है गिविंग फॉरगिवनेस टू यू और टू एनीवन। यहाँ कई बार ये भी होता है कि आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हो पर वो बंदा नहीं मान रहा है एक्चुअली बॉन्ड योर, तो अगर सही लगे, अगर सही लगे योर जजमेंट ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड आस्क वन मोर टाइम दैट आई स्टिल फील गिल्टी अबाउट दिस एंड आई सीक योर फॉरगिवनेस विदाउट सेइंग एनीथिंग इफ, बट हम क्या करते हैं अगर तेरे को अभी भी हर्ट है तो प्लीज प्लीज आई थिंक यार आई एम श्योर आई विल नॉट रिपीट या मेरे फादर की जस्टिफिकेशन नहीं देनी चाहिए, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स वी नीड टू जस्ट फोकस ऑन द फैक्ट दैट आई फील गिल्टी आई फील हैवी बिकॉज़ ऑफ समथिंग दैट हैज बीन डन टू यू इंटेंशनली और अनइंटेंशनली की बात भी नहीं है एंड आई सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अ प्योर हार्ट जस्ट से दैट एंड मीन saying that will be pseudo meaning that मैं एक बड़ा deep sense था तो नहीं तो नहीं कई दफा ये भी होता है बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब मैं message भेजूंगी ना उसको मैं feel क्यों I'm over this particular hurt तो शायद हमारी बात दोबारा शुरू हो जाएगा I don't want him that। अब अगर नहीं actually नहीं उस बंदे के साथ कर सकते जैसे you should just write it down, जैसे मतलब movies में तो बड़ा dramatic दिखता है तो उसे जला दो वापस, but it's important to manifest that emotion when we do an activity here I think we bring you to a point jahan pe hum use externalize bhi karna chahte hain, but it's very important to know ki aapko externalize karke ki aapko purpose ki benefit mil raha hai ya shayad you are again getting into a cycle jahan pe banda dobara aake aapko bol raha hai ki kya zarurat hai, bol diya na maaf kar diya koi zarurat nahi baar 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 mil baat shuru karne ki, so sometimes the other person is also not ready, that is why I say it's an interpersonal act always, lekin aapko pehle apne mann mein us cheez ko deal karna। ऐसा कोई नहीं अभिषेक जिससे गलती ना हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, हम चार लोग बैठे हैं चारों ने कभी ना कोई ऐसी गलती की होगी जो चाहे इंटेंशनल थी चाहे अनइंटेंशनल थी बट जिसके कारण किसी दूसरे के ऊपर नेगेटिव असर हुआ। आपने कई बार माफ़ी मांगी भी नहीं, कई बार आपने माफ़ी मांगी, कई बार आपको माफ़ कर दिया गया, कई बार नहीं किया गया, नेवरदरलेस इट्स इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर।
कर्मा शायद एक रूल प्ले कर रहा है, कर्मा हो जो भी हो, यू हैव टू एंड देयर इज नो अदर वे टू गेट पास्ट दिस टिल यू अंडरटेक दैट जर्नी। तो इसलिए उस रास्ते में चलना जरूरी है व्हेन यू फॉरगिव अदर्स, यू सीक फॉरगिवनेस एंड बी रेडी कि आपके साथ अगर कभी ऐसा होगा कि किसी और ने आपके साथ बुरा किया, यू आर आल्सो रेडी। वो भी हो चुका मैम, बट पता नहीं क्यों मेरे को इतना हर्ट नहीं हुआ जब मेरे साथ बुरा हुआ, मैंने फॉरगिव कर दिया। बट मेरे को ऐसा लगा जब जो लास्ट रिलेशनशिप था मेरा वो ठीक चल रहा था, एंड आई थिंक मैं भाग गया थोड़ा। तो आई थिंक अगर मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख लेता अपने माइंड पे तो थिंग्स वुड हैव बीन रियली बेटर, आज भी साथ होते हैं। थोड़ा तो रहता है कभी, लेकिन ऐसा नहीं होता, बट हाँ अगर उसकी लाइक किसी पार्टी में है तो जैसे अल्कोहल कंज्यूम कर लेता हूँ तो सडनली उसका थॉट आता है दिमाग में सबसे पहले, वो इंस्टेंस याद आते रहते हैं क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं आता बट हाँ कभी कभार हो जाता है। देखो कोई अगर दिमाग है, सोच है, दिल है तो थॉट्स आना नेचुरल, वी डोंट रियली नीड टू सप्रेस देम। ठीक है थॉट आया, इट्स इंपॉर्टेंट टू टेल योरसेल्फ दैट आई चेरिश दिस मेमोरी और आई चेरिश द फैक्ट दैट आई हैड टाइम्स विद दैट पर्सन एंड टेल योरसेल्फ दैट आई विश हर हैप्पीनेस। वो तो आया सर, सेइंग इट एंड आई विश मायसेल्फ हैप्पीनेस टू, क्योंकि हमेशा आई थिंक हमें से बहुत सारे लोग चाहे कहने पे भी दूसरों को माफ कर देते हैं पर माफ नहीं करते। आपको हर रोज व्हेन यू नीड टू टेल इट टू योरसेल्फ एवरी डे दैट आई हैव सॉट फॉरगिवनेस फ्रॉम हर एंड आई फॉरगिव मायसेल्फ, क्योंकि आप अगर खुद को माफ नहीं करोगे वही बात है कि आप आगे आपको भी वो चीज़ शायद बार बार कम हो जाएगी थोड़ी देर में, पर जब तक मन में वो स्टिंग रहता है ना थोड़ा सा, चाहे अपनी गलती के लिए चाहे किसी की गलती, आपकी फॉरगिवनेस की जर्नी कम्प्लीट तो नहीं। और ये भी नहीं है जरूरी कि आपको एक दिन लगा कि आज स्टिंग नहीं, आज जो सामने आया मुझे ना कोई अच्छा लगा ना बुरा लगा, या मैं बस आई जस्ट फेल्ट ओके। अगर वो स्टिंग नहीं है देयर विल बी टाइम कभी अप्स एंड डाउन लाइफ में, कभी कभी ऐसा होगा कि यू विल बी बैक यू नो डाउन देयर, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रोसेस एवरी टाइम इट कम्स टू एवरी डे बेसिस पे कॉल and you will see how it transforms. You know, last year मैंने जो farewell करा था, but बहुत ही अच्छा meet up था। तो लगा ही नहीं कुछ। हमारा तो क्या होता है, हमारे को जब breakups होते हैं या किसी से हम अलग होते हैं ना, तो हमारा focus इस चीज़ पे ज़्यादा रहने लगता है कि हाँ ये बंदा चला गया, हमें लाइन नहीं चला गया। The point is, अगर हम सिर्फ इस replace, इस spot थोड़ी देर के लिए रहना rational reaction है, पर इस spot को इस चीज़ से replace करना भी उतना ही rational है। We have spent a very good time with each other. So इसके बजाय कि मैं regret करूँ या मैं क्यों मैं पहले समझ जाती हूँ हर बारी मैं गलत लोगों को track करती हूँ अपनी life में etc etc. It's important to just consider it a good memory and move on. You don't have to leave that memory behind के अब वो इंसान आपको रोज नहीं भी मिल रहा तो भी मतलब वही बात है कि वो level of maturity आते हैं थोड़ा समय जरूर लगता है but it comes with time, it comes with a lot of work on yourself, it comes with addressing your guilt every time it happens and saying that I forgive myself for whatever happened. I forgive myself अगर आपको कोई खास incident, कोई खास आपने वाक्य कहा जिसके कारण आपको लगता है minus for please say that I forgive myself for saying this, for making him or her feel like that. It's important to address it rather than just feeling loosely ambiguous कि हाँ I know it should hurt and स्पेसिफिक एड्रेस करो ताकि आपको अगर वो थोड़ी देर तंग कर सकता है कि यार मैंने इसे कैसे कह दिया, बट यू विल मेक पीस विद इट। दुनिया में मतलब बहुत कुछ होता है पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस पर कितने समय तक फिक्सेट रहे। तो आई रिपीट, पेन इज एन इवेंट, सफरिंग इज अ चॉइस। आप उसको ग्रो करने देते हो, नसों की तरह ट्रीट करते हो, you are making, you are helping it grow further, you are helping it get worse and worsening further. So forgiving yourself, अभी हमारी नहीं है, I think आज इस पे पॉज है, forgiving yourself is also so important. So Montiel ने भी ये कहा है कि forgiveness तीन levels पे operate करती है, intrapersonal, within ourselves, आप क्या कर रहे हो, interpersonal, किसी दूसरे इंसान के पास जाके बोलना कि मैंने तुम्हें माफ किया, socio-political, now there are bigger issues जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज अभी आती जिस तरह की वॉर्स चल रही है, एंटायरली अ सोशियो पॉलिटिकल फैक्ट, नो यू नो
Palestinian will ever forgive Israel, and a lot of Israelis also feel we will not forgive. दूर क्यों जाना? इंडिया पाकिस्तान आते हो, हम कितनी चीज़ों में यूनाइटेड होने के बावजूद कभी कभी ऐसा टाइम होता है जब वो हमारे इमोशंस को स्पार्क किया जाता है कि हाँ अच्छा किया, अटैक कर दिया. बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पे अटैक हो जाना चाहिए या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बड़ी सारी चीज़ें. येट कई बार आप कुछ स्पेसिफिक म्यूजिक सुनो तो आपको लगता है यार कि दोनों कंट्रीज इकट्ठी हुई तो क्या होगा. बहुत सारी चीज़ें, सो मच, सो बहुत सारे सोशियो पोलिटिकल इशूज़ हैं जो फॉरगिवनेस को नहीं इन प्लेस आने देते, बट दे बिकम एज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्लोबल पीस एंड व्हाटनॉट. सो इंट्रापर्सनली फॉरगिवनेस एग्जिस्ट्स और इट अकर्स व्हेनेवर अ विक्टिम सीज़ेस देयर रिसेंटमेंट, रोक देते हैं वो अपनी रिसेंटमेंट को, अपनी नेगेटिव जजमेंट को टुवर्ड्स अ पर्सन जिसने उनके साथ किया. सो एक ये कि आप इंटर अपने लेवल पर अपने अंदर एक्सपीरियंसिंग करते हो, इंटरपर्सनल जहाँ पर आप कम्युनिकेट करते हो ऑफेंडर को दैट आई एम फॉरगिविंग यू. कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, बोल के हो सकती है, मैसेज के द्वारा हो सकती है, लेटर के द्वारा हो सकती है. बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम फॉरगिवनेस अगर डायरेक्टली बात करके बोलें कि मैंने तुम्हें माफ़ किया ऐसा कहना चाहें तो हो सकता है देयर इज अनदर चेन ऑफ ब्लेमिंग एंड हर्टिंग दैट स्टार्ट्स अगेन. सो कई लोग ये मानते हैं कि आप इनडायरेक्टली ही या इंट्रापर्सनली ही लोगों को फॉरगिव करें एंड मूव ऑन. और अगर कभी लाइफ में मौका आया और आपको लगता है दैट दैट पर्सन सीक्स योर फॉरगिवनेस या वो चाहते हैं कि आप उन्हें जाके बोल दें दैट फॉरगिव यू, दैन यू कैन ऑफ कोर्स ट्रांसलेट टू अ न्यू पर्सन एंड सोशियो पॉलिटिकल फॉरगिवनेस का सेम होल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन ऑफेंडेड दे काइंड ऑफ डिसओन दैट कलेक्टिव रिजेंटमेंट जो कि मन में इकट्ठे एज अ कम्युनिटी एक रिजेंटमेंट होती है दूसरे ग्रुप के लिए, वो उससे निकल कर you know they want to come out of it. So I think जब इंडिया में अगर आप बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट जब खास करके 92 में कश्मीर में जिस तरह का एग्जिडस हुआ जिस पर कश्मीर फाइल्स भी बनी है कि किस तरह से कश्मीर के पार्ट्स से कश्मीरी ब्राह्मण्स को निकाल दिया गया था इन द नेम ऑफ व्हाटएवर, वो सब रिलीजन की बात मैं नहीं करती, बट जो भी कहा गया कि ये पार्ट हमारा है आर्मी का जो, कितने सारे कश्मीरी पंडित हैं जो सदियों से वहाँ रह रहे थे एंड दे हैड टू लीव देयर प्रॉपर्टी देयर एवरीथिंग एंड कम हियर. दैट हैपेंड इन 47 आल्सो जब पाकिस्तान इंडिया का डिवीजन हुआ था. लेकिन खास करके कश्मीरियों एक देयर वाज अ सेंटिव्यू जब कश्मीर फाइल्स आई, सो आई थिंक दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस. एक रिएक्शन उस वक्त था कश्मीरी पंडित का पॉसिबल दैट दे वर फुल ऑफ रिग्रेट, दे वर फुल ऑफ रिजेंटमेंट. उनको लगता कि ये लोग उन्होंने ख़त्म कर दिया, वी विल नेवर बी एबल टू ख़त्म कर दें, वी विल ऑल्सो हैव अ टेररिस्ट ग्रुप टू हैंडल दैम. दूसरा रिएक्शन जो कि उस बंदे ने अपने इंटरव्यू में कहा, ही वॉज अ कश्मीरी पंडित, इसे हमने क्या किया उस वक्त, हमने एक फोकस ऐसा कोई कलेक्टिव डिसीजन नहीं, मे बी इट इज समथिंग दैट्स गिवन टू दैम या शायद कुछ लोगों ने उनके भी डिसाइड किया कि हमने अपने बच्चों को खूब पढ़ाना शुरू किया, उनकी एजुकेशन में फोकस किया ताकि वो बच्चे. और इस वक्त आई थिंक आप ग्लोबली देखेंगे बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित वो डिसकस ऑन द हर्ट दैट वाज गिवन टू देम, दे डिड और दे रिफ्यूजी कैंप्स में रहे, ऐसा नहीं कि उससे बिल्कुल निकल आए होंगे, पर उनकी कोपिंग स्ट्रैटेजी थी कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन में पी एच डी एजुकेशन में एक्सपर्ट स्पेसिफाइड कि वो दे बिकम स्पेशलिस्ट इन देयर इन फील्ड एंड मोस्ट ऑफ देम नाउ फीलिंग कि उनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके जीवन में. सो दे समवेयर डिसाइडेड टू नॉट फोकस ऑन द हर्ट. Well, they say that for a very long time we did not even forgive them. लेकिन वो हमारे पार्ट के लोग थे, हमारी तरह के लोग थे जो एक पोलिटिकल उसमें से थे, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आई कुड मेक पीस ओनली एंड आई फील बेटर. सो सोशियो पोलिटिकल फॉरगिवनेस का आना मुश्किल इसलिए होता है कि उसमें एक तरह से कलेक्टिव डिसीजन है, कलेक्टिव एग्रीमेंट पर पहुँचना होता है. मैं मान सकती हूँ माफ़ कर दो, उसको तो और ना माने उसके सेंटिमेंट्स पर इतने वैल्यू है. आई थिंक जब 1947 में बहुत सारे वायलेंस हुई जब हिंदुओं ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिंदुओं को माना, देर ऑलवेज वॉज अ ग्रुप दैट वॉज दैट स्टूड फॉर द अदर रिलीजन ऑल्सो. बड़े सारे हिंदू सरदार थे जो मुसलमानों के लिए अपनी अपने लोकेलिटी में रहने वाले उनके लिए खड़े हुए, बहुत सारे मुस्लिम्स थे जिन्होंने हिंदुओं को भी बचाया अपनी लोकेलिटीज में. विच मीन्स सोशियो पोलिटिकली आपका एग्रीमेंट शायद होना बहुत मुश्किल है, बट हाँ एक पॉलिसी बनाना ज़रूरी है. अगर कोई पोलिटिकल पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जिसमें फॉरगिवनेस का हिस्सा हो, पॉसिबली आप लोगों में से वो हिस्सा निकाल सकते हैं. वो तो सजेस्ट अभी नहीं मैं उस पर जाऊँगी, बट रवांडा इज़ वन कंट्री जिसमें बहुत ज़्यादा कलोनियलिज्म के दौरान बहुत गलत चीज़ें हुई उनके साथ,
उनको एज बैड एज इंडिया, बट इंडिया से भी ज़्यादा हुआ. लेकिन रवांडन जब प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, एंड दोज पीपल आर सेइंग दैट वी हैव एक्चुअली फॉरगिवन व्हाटएवर हैज हैपेंड टू अस टू द सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप्स जिन्होंने हमारे साथ किया. और उन्होंने अपना एम क्या बना लिया कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉन्ग विद फॉरगिवनेस, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी फॉर अर्थ, फॉर क्लाइमेट. सो उनकी वो सारा एंगर हर्ट को ट्राई टू रीडायरेक्ट. सो यू नो लुकिंग एट देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वे वहाँ पे, मतलब ऐसे जैसे हमारे यहाँ अब योगा सेंटर्स खुल गए, ऑफ योगा सेंटर्स, दैट इज पीपल कैन एनरोल इन दैट. तो अगर सोशियो पॉलिटिकल हर्ट को हमें डील करना है, वी नीड अ मोर कनेक्टिव एफर्ट, अ मोर पॉलिसी लेवल एफर्ट व्हिच कैन अड्रेस दीस थिंग्स. बट ऑल सेड एंड डन, वो दुख में हर्ट में रहना इज अ चॉइस जो बहुत ज़्यादा लोगों को, नेशंस को, ग्लोबली बहुत ज़्यादा हार्म. There are many dimensions of forgiveness. जिनको अपने directly indirectly अभी तक हम mention नहीं कर चुके. Number one relationship. There is clear evidence कि जब आप forgiveness receive करते हो या देते हो, it always has a positive impact on relationships. चाहे आप उसी बंदे के साथ वापस करके जा रहे हैं या नहीं जा रहे, but आपकी health, emotional, physical level पर, physical, mental health, ये सब कुछ आपकी improve होती है whenever you look to forgiveness. So relationships जिनके लिए हम शायद सब कुछ करते हैं are an important dimension of forgiveness. आप generally forgiveness आपको मुश्किल भी लगती है relationships में देना, but अगर achieve हो जाए possibly you can have better relationships. Healing, people always report that whenever they are forgiven, their healing becomes speeder, faster, and it helps them in a lot of ways. कि आपको आपकी self esteem restore हो सकती है, आपकी अपनी self image, जो कि कई बार क्या होता है जब आपके self को बुरा करता है तो दूसरा बंदा जिसको मैं कह रही हूँ कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, वो बंदा ऑलरेडी आपके बारे में बैड माउथ कर रहे हैं, वो शायद कुछ आपके क्लोज फ्रेंड्स को बता रहे हो जिससे ऐसा ऐसा किया. सो आपको प्रॉब्लम ये भी होने लग जाती है कि यार मेरी ये इंटेंशन तो नहीं थी, मेरी जो इमेज बाकी लोगों के सामने बनाई जा रही है दैट इज नॉट करेक्ट. सो आपकी सेल्फ एस्टीम इस करके भी काफ़ी बढ़ होती है आपकी. देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड द एक्शन दैट यू आर बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर, और किस तरह से दूसरा बंदा आपकी इमेज को स्पॉइल कर रहा है, वो भी आपकी सेल्फ एस्टीम पे असर डालता है. देन यू आर मोस्ट वरिड अबाउट द लॉस ऑफ रिलेशनशिप, कि ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, जो हमारी क्लोजनेस थी वो खत्म हो जाएगी. सो आपके ऊपर और जिस इंसान ने बुरा किया, दोनों के ऊपर बहुत सारे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल बर्डन्स हैं. जब आप फॉरगिवनेस का रास्ता अपनाते हैं, शायद आप इन सब पॉइंट्स पे अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी हीलिंग को एड्रेस कर सकते हैं. दैट इज व्हाई फॉरगिवनेस ओनली फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द अदर पर्सन गुड नहीं है. फॉरगिवनेस इज टू हील योरसेल्फ एंड ऑल्सो टू हेल्प द अदर पर्सन हील. एंड दिस होल प्रोसेस ऑल्सो हेल्प्स इन गिल्ट रिडक्शन. गिल्ट जनरली हमें तब होती है जब आपको ये लगता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डैमेजिंग इवेंट. ये जो पर्टिकुलर चीज हुई, जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं उससे भी मेरे साथ बुरा किया, और शायद मैंने भी कुछ नहीं किया था जिसके कारण मिस आ गया. सो यू स्टार्ट एंड ग्रोइंग गिल्ट विद योरसेल्फ. सो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि गिल्ट को रिड्यूस करने का एक अच्छा तरीका है कन्फेस करना. कन्फेशन, बिकॉज साइकोथेरेपी में भी जब एक इंसान थेरेपिस्ट से, या कि क्रिश्चियनिटी में बहुत क्लियर सिस्टम है कि आप जाकर वहाँ एनोनिमस कन्फेशंस कर सकते हैं. एक कन्फेशन बॉक्स होता है जिसमें आप खड़े होकर फादर या प्रीस्ट से बात करते हो. सो दैट बेसिकली हेल्प्स यू टू नंबर वन एक्सप्रेस दैट यू आर फीलिंग गिल्टी. नंबर टू, आपको जब गिल्ट ये महसूस होती है, आप दूसरे को ब्लेम करने के बजाय खुद को ब्लेम करने लग जाते हो. सो दैट मीन्स दिस गिल्ट कैन रियली kind of stop you from not just realizing your own potential, but also आपका वो relation कभी भी re-establish नहीं हो पाता, क्योंकि आपको हमेशा लगता है मेरे से एक बार गलती हो गई, मैं दोबारा ना करूँ. कोई नया relationship build करने में भी आपको शायद ही fear आने लग जाता है. So that is why when you take to forgiveness and you think about or you take to forgiving yourself along with forgiving others, the whole process can help you in reducing guilt in a better way. Then forgiveness also marks a new beginning. किसी भी relationship, हो सकता है आपका relationship re-establish हो जाए उसके बंदे के साथ, that is a new beginning. Then also sometimes maybe not with the same person but किसी और इंसान के साथ हमारे relationships को you know एक नए नजरिए से देखना, या भी क्योंकि a lot of people say that because I've been hurt I will never fall in love again, I will never be in a relationship. That means you're not looking at any new beginnings that can offer you new happiness at all. So अगर आप forgiveness की journey के लिए commit करें,
there is a possibility that you will have you know, a viewpoint where you can understand ki ye sara ek phase hai jispe aap hai, and eventually you will be moving towards a new beginning where you can look at goodness in life, establish good relationships, relationships that give you happiness. Forgiveness also helps you to condone any kind of unwillingness on the part of the victim. Now generally हम condoning को you know pseudo forgiveness भी condone करने का मतलब कि आप थोड़ा delay कर देते हैं, जैसे आपको for example मैंने कहा आपको आज एक assignment देना है, आप मुझे बोलते हैं मैम थोड़ी और दे दो, तो I'm condoning the delay, मतलब I'm saying okay to this कि हाँ ठीक है आप थोड़ा late भी समझ सकते हो. सो कई दफा जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम भी उसको स्वीकार नहीं करते, हम भी कंडोन है, हमें ऐसा लगता है कि अच्छा शायद एक बार जाके माफ करती हूँ, मे भी मैंने गलत समझा, मे भी कोई चीज़ वापस से ठीक हो सकती है. हालांकि कंडोनिंग इज स्यूडो फॉरगिवनेस, पर शुरुआत में फॉरगिवनेस की जर्नी में मे बी कैन हेल्प थोड़े समय के लिए, बट इवेंचुअली हम मूव टुवर्ड्स ट्रू फॉरगिवनेस. एंड ऑल्सो समटाइम्स वी आर ऑल्सो यू नो टू रेडी क्विकली इमेच्योरली हम लोगों को फॉरगिव करने के लिए तैयार हो जाते हैं. अच्छा मैं तो बहुत फॉरगिविंग इंसान हूँ, बहुत सेंसिटिव है, ओके तुमने गलत किया आई फॉरगिव यू, विदाउट रियली लुकिंग एट द हर्ट दैट आई हैव गॉन थ्रू. हम फॉरगिवनेस में डिनायल की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, हम ये चाहते हैं कि हमारे को हर्ट महसूस हुई, आई लुक्ड एट इट, आई थॉट अबाउट इट एंड येट डिसाइडेड टू फॉरगिव. सो जब भी आप कंडोन करते हैं फॉरगिवनेस को, कई बार हम कंफ्यूज करते हैं, वी शुड बी क्लियर फॉरगिवनेस कंडोनिंग के बाद आती है. आप जब अपनी कैपिचुलेट करने का मतलब होता है कि आपने अपनी हर्ट को, अपनी नेगेटिव इमोशन को एड्रेस किया है, आपने सिर्फ उसे कारपेट के नीचे नहीं फेंक दिया, एंड देन यू हैव कम डाउन टू द पॉइंट ऑफ फॉरगिवनेस. सो कंडोनिंग को एक डायमेंशन ऑफ फॉरगिवनेस इसलिए लिखा हुआ बिकॉज इट में स्टार्ट विद कंडोनिंग, कि आपको ये लगता है कि चल लेट मी गो, लेट मी सी, थोड़ा स्कोप देखते हैं, थोड़ा रैशनलाइज करते हैं, देखती हूँ क्या होगा होगा, बात करती हूँ. अगर आपको कई बार इस बंदे से बात करनी मिल जाए तो शायद मे बी इट इज रिजॉल्व्ड, पर कई बार हम कंडोनिंग की तरफ जाते ही नहीं है. सो सम पीपल फील कि कंडोनिंग कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट इवेंचुअली टू टर्न टुवर्ड्स फॉरगिवनेस. देन अ लॉट ऑफ रिलीजन, इट हैज बीन प्रूवन दैट पीपल हु आर रिलीजियस, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, उनके लिए शायद माफ़ करना थोड़ा आसान हो सकता है बिकॉज आपका रिलीजन आपको सबूत करता है कि फॉरगिव करना जरूरी है. क्रिश्चियनिटी में बहुत दफा कहा जाता है कि अगर क्राइस्ट ने लोगों को फॉरगिव कर दिया तो हम कौन करते हैं, टू डिवाइन, आई मीन टू फॉरगिव इज डिवाइन, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, गलती इंसान से होती है और माफ़ को मान करता है. ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली फॉरगिवनेस की इंपॉर्टेंस बताते हैं, यानी कि आप भगवान बन जाएंगे, बट जब हम किसी रिलीजन को अपना स्टेडफास्ट, अपना एंकर मानते हैं, इट्स इजियर फॉर अस टू फॉलो इन लाइन, कि अगर मेरा रिलीजन कहता है कि माफ़ करो तो ज़रूर माफ़ करना चाहिए. आई थिंक हालांकि लेटली पिछले कुछ 20-25 सालों में इस्लाम को मिस इंटरप्रेट करके बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स आए जो मारने में, वायलेंस में, सुसाइड बॉम्बिंग्स में विश्वास करते हैं, पर अगर आप कुरान पढ़ेंगे उसमें कहीं पर भी वायलेंस की बात नहीं की, अगर उन्होंने भी फॉरगिवनेस की बात की है, पीस की बात की है, विच इंडिकेट्स कि हम लोग रिलीजन को भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं. वी नो दैट फॉर दैट मैटर हिंदुइज्म में, सिखिज्म में, बुद्धिज्म में, जो मेन यहाँ के हमारे कंट्री के भी रिलीजन हैं, किसी में भी ये नहीं लिखा गया है कि आप वायलेंस करें या माफ़ ना करें. रादर फॉरगिवनेस इज सीन एज अ वर्चू, क्षमा परमो धर्म, मतलब अगर आप किसी भी धर्म की बात करते हैं तो क्षमा करना सबसे इम्पॉर्टेंट है. इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि रिलीजियस कॉम्पोनेंट फॉरगिवनेस का जो है वो भी बहुत सारे लोग जो कि अपने आप को रिलीजियसली रूटेड मानते हैं उनको मोटिवेट करता है थिंक अबाउट फॉरगिवनेस, टू टेक दिस जर्नी एंड गेट द बेनिफिट्स. देन देयर इज अ लीगल कॉम्पोनेंट, बहुत दफ़ा लोगों से जब गलती होती है, गुनाह होता है, तो लोग लीगल माफ़ी मांगते हैं. Now, legalistic forgiveness is not psychological forgiveness though. जैसे हमने कल अभी लास्ट क्लास में बात की थी ऑस्ट्रेलियन मिशनरी के लिए लीगल फॉरगिवनेस मांगी थी उनकी वाइफ ने उसके कल्प्रिट्स के लिए. सो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स होते हैं जो कहते हैं या लॉ में दुहाई देते हैं कि मेरे क्रिमिनल को, मेरे कॉर्पोरेटर को छोड़ दिया जाए. लीगल कॉम्पोनेंट ये मानता है कि अगर किसी ने कोई गलती की है, कोई लॉ ब्रेक किया, तो उसको उसकी सज़ा दी जाएगी, लेकिन फिर भी विक्टिम उस क्रिमिनल को फॉरगिव कर सकता है. तो हम हालांकि मैं स्यूडो फॉरगिवनेस में भी, आई मीन व्हाट फॉरगिवनेस इज नॉट में भी यही बात की थी कि लीगली फॉरगिव करना ज़रूरी नहीं है कि आप उसे पर्सनली इंटरपर्सनली भी फॉरगिव कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रेप विक्टिम है, रेप सर्वाइवर है, और एक कॉर्पोरेटर है, जो जिस बंदे ने बुरा किया उसको लीगल पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए. कहीं पर भी हम ये नहीं कह रहे उसको माफ़ कर दो जाने,
क्योंकि हम रीइंफोर्स नहीं करना चाहते उसका बिहेवियर, लेकिन फॉरगिवनेस की बात ना करते जब हम ये कह रहे हैं कि वो विक्टिम क्या सारी उम्र उस सफरिंग को ही झेलता रहेगा कि उसने मेरे साथ बुरा किया, दे विल स्टे अवे फ्रॉम एनी रिलेशनशिप, एनी गुड थिंग, फियर, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें रहेंगी, ट्रॉमा रहेगा, या ये विक्टिम किसी लेवल पर इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल विद इन देमसेल्फ क्या सोच सकते हैं कि मैं उस इंसान को माफ़ करूँ। बहुत मुश्किल होता है खास करके सेक्सुअल क्राइम के विक्टिम्स का अपने क्रिमिनल को माफ़ कर देना, पर पॉइंट ये है कि जब तक वो माफ़ी की तरफ नहीं जाएंगे दे विल कंटिन्यू टू हार्बर दैट फियर, एंग्जाइटी, ट्रॉमा विद इन देमसेल्फ। तो अब अगर उन्होंने इस बंदे को माफ़ करना है तो अपने लिए करना है, अपने आप को निजात देने के लिए, अपने आप को रिलीफ देने के लिए फ्रॉम द नेगेटिव इमोशंस दैट दे आर लीगल कॉम्पोनेंट में नहीं हम कंफ्यूज कर रहे हैं या उसमें नहीं घुस रहे, बट हाँ इवेंचुअली उसका भी एक कॉम्पोनेंट होता है। देन देयर आर पीपल हु टॉक अबाउट साइकोडायनामिक आइडिया। सिंपली उनका ये मानना है कि बचपन में अगर किसी के कोई इंट्रा साइकिक हर्ट हुआ हो, पेरेंट्स ने कुछ ऐसा किया हो जिसके कारण बच्चे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो, कोई सेक्शुअल ट्रॉमा की हिस्ट्री हो, तो जो बच्चे के बेसिक ट्रस्ट वाले इंट्रा साइकिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब रिटन रूल नहीं है, बट एज ए चाइल्ड यू नो बच्चे के लिए शायद सबसे ज़्यादा सेफ जगह उनका पेरेंट्स उनके घर होते हैं। जब बड़े सारे केसेस इंसेस्ट के आते हैं फॉर एग्जांपल, जहाँ पे घर का ही कोई इंसान बड़ा बंदा घर में किसी बच्चे के साथ कुछ सेक्शुअली एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, यू नो इट्स सच ए डिफिकल्ट थिंग कि हम सब ने कभी ना कभी ऐसा विटनेस किया होगा, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तूफान आ रहा है, या आप चले जा रहे हो और आपका कोई पीछा कर रहा है, पर अगर कहते हैं मैं घर पहुंचा, घर इज सच ए सेफ स्पेस, आपको लगता है घर का दरवाजा अंदर आ गई, आई एम सेफ फ्रॉम एवरीथिंग, एंड इमेजिन एक बच्चे का ऐसी जगह आना और वहीं पर एक्सप्लॉयटेशन होना, द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इंट्रासाइकिक कॉन्ट्रैक्ट, आई मीन देयर एबिलिटी टू ट्रस्ट एनी एजेंसी एनीवन इज शैटर्ड। दैट इज व्हाई उनके लिए इंट्रासाइकिक जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जब वो शैटर होते हैं, पॉसिबली वो पूरी लाइफ में कभी भी फॉरगिवनेस, ट्रस्ट इन सब चीज़ों की तरफ नहीं जा पाते, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। सो बच्चों के कॉन्ट्रैक्ट्स जनरली बहुत रिजिड होते हैं, वो उसमें एक्सेप्शंस नहीं देखते, वो ऑल और नन की तरह होते हैं। दैट इज़ व्हाई हम रिपीटेडली हर डिसऑर्डर में या हर इमोशन की जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, वी रिजॉर्ट बैक टू अटैचमेंट स्टाइल्स। अटैचमेंट स्टाइल्स आपके बेसिक चाइल्डहुड का एक ऐसा क्राइटेरिया होता है जो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को डिवेलप करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू psychodynamically also look at this, that people who find it difficult to forgive may have attachment styles jo bahut zyada insecure hain, anxious hain, par wo jo avoidant hai jo forgiveness ko shayad aasani se jagah de sakte hain, they are more secure, they kind of have more trusted relationships, aur unke intrapsychic contracts, unke intrapsychic ideas ko shayad kabhi violate nahi kiya gaya. So we really need to look at the childhood experiences also, which can be an important component of forgiveness. Smith ne bhi attachment styles ki basis pe, Kelly's ke personal construct theory ki basis pe kaha hai that whenever individuals, they are trying to interpret whatever is happening to them or their experiences, wo apne in experiences, jo bhi experiences repeatedly hoti hain, they start dictating their reality. तो एक बच्चा जिसके साथ बार बार गलत हुआ है बचपन में, पॉसिबली दे स्टार्ट लुकिंग एट वर्ल्ड एज अ प्लेस दैट इज नॉट सेफ, दैट इज नॉट एवर गोइंग टू बी फेयर। ऑन द अदर हैंड बच्चा जिसके साथ बचपन में सब ठीक ठाक रहा है, ट्रस्ट रहा है, दे विल लुक एट वर्ल्ड एज अ प्लेस जहाँ पे उनके हैप्पीनेस है, ट्रस्ट है, ऑल दोस थिंग्स का रहा है। सो जब कभी आप अपने कंस्ट्रक्ट को, यू नो अपनी पर्सनैलिटी आपकी तब बेली होगी जब आपकी कंस्ट्रक्शन, आपका नैरेटिव अबाउट वो वर्ल्ड चेंज। तो जब हम यू नो वी लुक एट पीपल, सॉरी टू डिस्टर्ब, एक साइन चाहिए आपके अंदर किस चीज पे, और छोड़ो बोलो ये इंस्टाग्राम फोटो कोई
इंटरप्रिटेशन या कोई क्वेश्चनिंग आपके जीवन में किसी तरह की यू नो देयर इज एनी काइंड ऑफ चैलेंजिंग ऑफ आवर पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स इट्स जनरली सीन के बच्चा जीवन को नए तरीकों से देख सकता है. नाउ अगर आप जीवन में लाइफ में बच्चों की बचपन में नेगेटिव कंस्ट्रक्ट्स हैं ऐसा नहीं है दैट दे कैन नॉट लुक एट लाइफ इवेंचुअली थ्रू पॉजिटिव लेंस. सिमिलरली अगर सब कुछ पहले सही रहा है तो जीवन में आपको कुछ गलत नहीं होगा ऐसा नहीं होता. लेकिन पॉइंट रिमेंस दैट जो भी हमारा पर्सनल तरीका होता है अपने आप को और लाइफ को देखने का वो हमारी फॉरगिवनेस के लिए रेडीनेस को इम्पैक्ट करता है. अगर ट्रस्टिंग रिलेशनशिप से आप आसानी से कर सकते हैं फॉरगिवनेस. अगर ट्रस्टिंग रिलेशनशिप से नेगेटिव पर्सनल कंस्ट्रक्ट है ऐसा नहीं है कि आप इवेंचुअली फॉरगिव नहीं कर सकते पर आपकी रेजिस्टेंस आ रहा है आपको काम उसके ऊपर शायद ज़्यादा करना पड़ेगा. सो स्मिथ ने भी क्लियरली ये कहा कि फॉरगिवनेस मॉडल में भी हम बेसिकली नए कंस्ट्रक्ट्स बिल्ड करने की कोशिश करते हैं ताकि एक बच्चा या एक इंसान एक नई नया मीनिंग नया पर्सपेक्टिव नई नज़रिया अपना सके. सो जब कभी आप ये नए कंस्ट्रक्ट्स डेवलप करते हैं जो भी इंसान या बच्चा हर्ट रहा है वो बेसिकली दूसरे लोगों की तरफ जिन्होंने उन्हें हर्ट किया है उनको कंपैशन उनको बेनेवोलेंस सिखाई जाती है इसकी जाएगी वो रिवेंज करे. आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल डियर जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एड्रेस किए पर एक चीज़ जहाँ भी शी के नॉट डाले बट के नॉट फॉरगिव हर पेरेंट्स के जब वो छोटी ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ दिया वहाँ सेटल हो गई थी फिर वो देखने चले गए नॉट दैट. सो यू नो वन थिंग दैट कम्स थ्रू द साइकोएनालिस्ट वाज कि मतलब पेरेंट्स को भी ह्यूमन इसकी तरह देखो ना कि वो भी सोचा गलती कर रहे थे जैसे तो मम्मी गलती कर रहे हैं कुछ. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब हम लोगों को नया नजरिया देते हैं तो शायद वो दूसरे लोगों की हेल्पलेसनेस मजबूरियाँ देख पाते. आप रैशनलाइज नहीं कर रहे आप जस्टिफाई नहीं कर रहे बट विद दिस प्रोस्पेक्टिव पॉसिबली आपको फॉरगिव करना आसान लगता है. तो तभी करके ये माना जाता है कि फॉरगिवनेस में आप एक नई कॉग्निटिव प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को दे पाते हैं. नाउ कमिंग टू द आइडिया ऑफ फॉरगिवनेस ट्रायल ये तीन चीज़ें फॉरगिवनेस में बहुत ज़रूरी हैं जैसे हम बात कर रहे थे एंड्राइड और उनका जो स्टडी ग्रुप है इट्स कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडी फोकस्ड ऑन द आइडिया हाउ वी कैन लुक एट डिफरेंट डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरगिवनेस. और उनके हिसाब से फॉरगिवनेस के कम से कम ये तीन वर्ड्स हैं ग्रांटिंग फॉरगिवनेस टू अदर्स रिसीविंग फॉरगिवनेस फ्रॉम अदर्स एंड फॉरगिविंग योरसेल्फ. सो दैट मींस हम जब फॉरगिवनेस की बात करते हैं हमेशा ये नहीं कि मैं सही हूँ और दूसरा गलत है मेरे से भी गलती आई है. बहुत दफ़ा जो मेरे से अभिषेक कह रहे थे वी गेट एंड होल्ड्स अवर हार्ट एंड सोल. सो दैट मींस वहाँ पे दूसरे की फॉरगिवनेस को रिसीव करने के लिए रेडीनेस भी जरूरी है और खुद को माफ करने की जरूरत है. तो ये तीनों वर्टिसेस क्योंकि इकट्ठे आती हैं जब भी आप साइकोथेरेपी काउंसलिंग कुछ भी करें इट्स इम्पॉर्टेंट टू लुक एट ऑल थ्री वर्टिसेस ऑल थ्री इम्पॉर्टेंट वर्टिसेस ऑफ द फॉरगिवनेस ट्रायल. थॉमसन टॉली भी यही कहा है कि देयर आर दिस थ्री टाइप्स ऑफ फॉरगिवनेस अगेन फॉरगिवनेस ऑफ योरसेल्फ फॉरगिवनेस ऑफ अदर्स एंड फॉरगिवनेस ऑफ सिचुएशंस. कई बार हमारे से कोई गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि एक सिचुएशन ऐसे थी सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे. अगेन वेरी कॉमनली सेड थिंग इज इंसान बुरा नहीं होता हालात में. सो दैट मींस कई बार आपको ऐसे हालातों को ही फॉरगिव करना पड़ता है. तो जब भी हम फॉरगिवनेस के आइडिया को एंटरटेन करते हैं हम इन सब व्यू पॉइंट्स को लेते हैं आपका कि आप खुद को माफ़ कर रहे हो दूसरों को माफ़ कर रहे हो सर्कमस्टेंसेस को माफ़ कर रहे हो. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरा अगर वर्ल्ड इस फैमिली में ना होगा तो सब कुछ अलग होगा. सो दैट मींस यू आर होल्डिंग योर फैमिली इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ योर फैमिली रिस्पॉन्सिबल. सो यू रियली हैव टू ग्रो पास्ट देम टू लुक एट द पास्ट. सो आप जैसे पिछले वाले में कहा ये तीन चीज़ें ग्रांटिंग फॉरगिवनेस रिसीविंग एंड फॉरगिविंग योरसेल्फ इन्हीं से मिलती जुलती है इन्हीं से रिलेटेड है सेल्फ फॉरगिवनेस फॉरगिविंग अदर्स एंड फॉरगिवनेस ऑफ सिचुएशंस. So Worthington और Sherrill ने कहा that forgiveness can be decisional और emotional. Emotional होती है कि कोई इंसान आपके सामने आके रो रहा है या उसने कहा कि हमारे से गलती हो गई आपको तो ओके आई फॉरगिव टोटली इमोशनल. इमोशनल फॉरगिवनेस कैन बी प्रीमैच्योर कि आपने अपनी इमोशंस अपनी गलत को भी एड्रेस ही नहीं किया और दूसरे को कम्फर्ट करने के लिए आप कह रहे हो फॉरगिवनेस आई फॉरगिव यू. डिसीजनल फॉरगिवनेस मे टेक मोर टाइम. एक ये कि आपने पहले देखा कि क्या मैं माफ़ करने को तैयार हूँ क्या मेरा एंगर खत्म हो रहा है एंड देन यू काइंड ऑफ लुक एट फॉरगिवनेस और यू डिसाइड टू फॉरगिव और यू स्टार्ट द यू डिसाइड टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ फॉरगिवनेस.
सेकंड क्या है कि आप सब कुछ कर चुके हो अभी तक, आपने बंदे से बदला लेने की कोशिश कर ली, उसको गुस्सा दिखा दिया, उससे बहस कर ली, सब लोगों को उसके बारे में बता दिया, पर आपको आराम नहीं है. सो नाउ यू डिसाइड दैट यू वांट टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस. सो दैट मींस इमोशनल फॉरगिवनेस कई बार डिसीजनल के बाद एंड में आ सकती है. कई बार हमारी शुरुआती फॉरगिवनेस जो कि ज़्यादा प्री मैच्योर होती है, जिसमें आपने खुद की हर्ट को नहीं एड्रेस किया, या स्यूडो फॉरगिवनेस की, दैट कैन ऑल्सो बी इमोशनल. सो ये दो प्रकार की फॉरगिवनेस हो सकती है. जब भी आप प्रोसेसेस ऑफ फॉरगिवनेस की बात करते हो, मैथ्यू और वर्थिंगटन के हिसाब से योर फॉरगिवनेस कैन बी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल. इंट्रापर्सनल विद इन योर सेल्फ, आप अपने साथ क्या बात करते हो, कैसे अपनी हर्ट को एड्रेस करते हो, एंड इंटरपर्सनल वेन यू गो आउट रीच आउट टू दिस पर्सन एंड यू टॉक टू देम अबाउट व्हाट हैज हैपेंड और यू आर रेडी टू फॉरगिव. जब आप माफ करें तो आप उन्हें बता रहे हो कि हमने तुम्हें माफ किया. हालांकि जरूरी नहीं है, बट कई लोगों के लिए क्लोजर इंटरपर्सनल पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज बिलीव कि आपको हो सकता है दोनों लेवल्स के ऊपर माफ करना आना चाहिए. इंटरपर्सनल प्रोसेसेस जो है उनमें कई स्टेजेस दी गई हैं फॉरगिवनेस के. पहला कि फॉरगिवर और वो जिसको माफ किया जा रहा है फॉरगिवन, इन दोनों के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना जरूरी. मार्टिन का एक इंटरपर्सनल प्रोसेस मॉडल है जिसमें उन्होंने कहा फॉरगिवनेस की पांच स्टेजेस हैं. क्या क्या है? नंबर वन, रिफ्यूजल टू सीक रिवेंज, मुझे बदला नहीं लेना, और एक्सेप्ट दैट द रिलेशनशिप इज परमानेंटली ब्रोकन, अब वापस हम इकट्ठे कभी नहीं हो सकते, मुझे तुमसे बदला नहीं लेना, हो सकता है शुरुआत यहाँ से हो. फिर थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू री एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, दैट इज द सेकेंड स्टेज, द डिजायर टू री एस्टैब्लिश रिलेशनशिप और तो पार्टन है कि मैं माफ कर देती हूँ, ठीक है इस बार ही माफ कर देती हूँ, बिकॉज आई वांट टू बी बैक टुगेदर अगेन. थर्ड इज यू वांट टू कंप्लेन, या आपको लगता है कि भैया मुझे इस बंदे से मिलके एक बार जानना है, उसने ऐसा किया क्यों, आई वांट माय आंसर्स. सो दैट इज वेयर यू वांट एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफेंडर व्हाई दे डिड दैट, बिकॉज आपको लग रहा है कि मेरे हमारे रिलेशनशिप को काफी नुकसान हुआ है. और अगर इन तीन स्टेजेस के बाद आप मिलते हैं दूसरे इंसान से और वो आपसे माफी मांग लेते हैं, तो पांचवी स्टेज आ सकती है. हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप रीएस्टैब्लिश हो जाए, देयर इज कॉन्फिडेंस ट्रस्ट, और आपको लगता है यू नो दे से फॉरगिवनेस कमिटमेंट ब्रीड्स फॉरगिवनेस, कि जब आप कमिटेड होते हो तो आपको लगता है अच्छा मैं माफ कर देती हूँ, बिकॉज आई एम अनकंडीशनली प्यार करती हूँ तो माफ कर देती हूँ. पर जरूरी नहीं है कि सारे स्टेजेस इसी तरह हो जैसे इन्होंने मिस किया. हो सकता है जो आप मिलना चाहते हो बंदा आपसे मिल ही नहीं रहा, सो यू स्टेप एट स्टेज थ्री, फिर आपको कोई और तरीका आजमाना. पर अगर आप मिले और दूसरा बंदा कहे वेरी सॉरी, जब आपको लगता है अच्छा इसने माफ़ी मांग के अब मैं माफ़ कर देती हूँ, तो माफ़ कर देती हूँ, तुम्हारा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, ये भी हो सकता है, माफ़ कर देती हूँ लेट्स गेट बैक टुगेदर, ये भी हो सकता है. पर मार्टिन के हिसाब से शुरुआत अक्सर होती है, पहले ये सब खत्म हो गया, फिर ये नहीं देखते हैं, बात करके देखते हैं, देखती हूँ कि क्यों हुआ, व्हाट माय आंसर्स, एंड देन टोटली डिपेंड करता है कि आगे क्या होता है. सो दिस इज कॉल्ड इंटरपर्सनल, बिकॉज दो ही लोग इन्वॉल्व हैं, फॉरगिवर भी और फॉरगिविंग भी. नाउ इंट्रापर्सनल मॉडल्स जो है उनमें फॉरगिवनेस इज समथिंग जो आप अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, किस लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और बिहेवियरल लेवल पे, जो कि आपके अंदर होती है, और इसमें ऑफेंडर का दूसरे बंदे का कोई रोल नहीं है. दैट मींस इंट्रापर्सनल फॉरगिवनेस इज समथिंग जो आपने अपने अंदर बदलाव माना है और फॉरगिवनेस की तरफ चलना है. इंट्रापर्सनली भी बड़े सारे मॉडल्स हैं. पहला है पेटेट का, अगेन फाइव स्टेज मॉडल है. वो क्या कहते हैं? सबसे पहले एक इंसान जिसके साथ बुरा हुआ है वो ये मानता है या यहाँ स्वीकार करे कि हाँ फॉरगिवनेस एक तरीका हो सकता है मैं अपनी हर्ट और इस ऑफेंस को एड्रेस करने. बहुत सारे लोग शुरुआती पॉइंट पे नहीं उसको बदला लेना है, उसको बुरा देखना है, जब तक उसके साथ बुरा नहीं होगा एक आर बी पी स्कूल है जगह से आएगा. सो दैट मीन्स शुरुआती पॉइंट पेटेट के हिसाब से इंट्रापर्सन करेगा, एक इंसान ये मानता है कि फॉरगिवनेस एक तरीका हो सकता है जिसके द्वारा मैं अपनी हर्ट को हील करता हूँ. और कुछ नए नजरिए, कौन से नए नजरिए? नंबर वन, शायद कोई एक अनमेट नीड, एक जरूरत या कुछ ऐसा होगा कि दूसरे बंदे ने मेरे साथ बुरा किया, मतलब आप उसके रीजन समझने की कोशिश कर रहे हो. अडॉप्टिंग स्टेट ऑफ काम, जब जब आपको हर्ट होती है आपको कामनेस, अपनी एंग्जाइटी को कम करना, रिलैक्स रहना जरूरी है. ये भी आप सोचने को तैयार हो कि मैंने कुछ तो नहीं किया जिसके कारण ऐसा हुआ है. हम हमेशा कहते हैं दूसरे को माफ कर दो माफ कर दो, पर कई बार ये हमारा रोल भी होता है इन ब्रिंगिंग अप दैट ऑफेंस. सो यू आर ओपन टू लुक एट योर रोल इन द ऑफेंस.
देर ऑल्सो ट्राइंग टू लुक एट अ फेयर कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ ऐसा जो फेयर हो दोनों के साथ, उसके साथ भी मेरे और इवेंचुअली द गुडनेस इन एवरीवन वाला पर्सपेक्टिव, कि हर इंसान में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है, तो इज देयर समथिंग गुड अबाउट दिस पर्सन दैट आई कैन लुक एट. सो दैट मींस पहले आप ये मानते हैं कि क्या फॉरगिवनेस के द्वारा मैं इस ऑफेंस के कारण हुई प्रोग्रेस कर सकती हूँ. जब आप ये सोचते हो तो आप कोई नए तरीके, नए पर्सपेक्टिव, नए रीजन ढूंढते हो सेकेंड स्टेज में. फिर आप अपने दिमाग में जो आपने ऑफेंस से रिलेटेड इमेजेस स्टोर की हैं उनको चेंज करने की कोशिश करो. क्या होता है कि मेरे यहाँ से जो बुरा होता है हम रिवाइंड करते रहते हैं उसको अपने दिमाग में भी, रिपीट रिपीट ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर उसने और प्रॉपर्ली से हम उस इवेंट को और बड़ा करते हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू चेंज ऑल द इमेजेस दैट यू हैव स्टोर्ड फॉर योरसेल्फ, उसको इमेजिन करना, उसके साथ रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना एंड इवेंचुअली एक्सेप्टिंग कि आपके साथ जो आप कह रहे थे कैसे तो हो ही नहीं सकता मेरे साथ, उसने कैसे किया वो नहीं कर सकता, एक्सेप्ट दैट इट हैज हैपेंड एंड कैंसिल दैट. शायद मैं ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करती थी, यू रियली हैव टू, क्योंकि अक्सर हमें गलत तब होती है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट. सो दैट मींस यू आर रेडी टू कैंसिल द हाई एक्सपेक्टेशंस दैट यू हैव ऑफ दिस रिलेशनशिप और इवेंचुअली यू वांट के ओके ठीक है ऑफेंस हुआ इस बंदे के साथ, डिफरेंस हुआ, बट आई वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, यू वॉन्ट टू रिस्टोर लव, वाइटैलिटी, हैप्पीनेस इन योर लाइफ. तो अगर आप इस पॉइंट तक पहुँचते हैं तभी आप आगे फिलहाल सोचो. जब तक आप ये विक्टिम फील करते रहोगे नहीं नहीं मेरे से बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ, आप शायद पहले स्टेप पर फंस रहे. सो इसलिए ज़रूरी है कभी करके हम कह रहे हैं इंट्रा पर्सनल जो पहली स्लाइड थी उसमें देर आर कॉग्निटिव इमोशनल एंड बिहेवियरल स्टेप्स. तो आप कॉग्निटिवली नए नजरिया नया पर्सपेक्टिव आजमाने की कोशिश कर रहे हैं. रिलीजियस के रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेंसन ने भी चार स्टेजेस में है. सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि मेरे अंदर जो रिजेंटमेंट एंगर है ऑफेंस की तरफ ऑफेंडर की तरफ, आप उसको पहचानते हो, आप उसको स्वीकार करते हो. फिर आप ये मानते हो कि ठीक है दूसरे बंदे ने मेरे साथ बुरा किया लेकिन आई नीड टू बी कंपैशनेट. क्यों कंपैशनेट हूँ? क्योंकि अगर भगवान ने जीसस ने माफ़ कर दिया अपने हर ऑफेंडर को, हर ह्यूमन बीइंग को जिसने उसको लटकाया था, क्रूसीफाई किया था, तो मैं कौन हूँ, मुझे भी माफ़ करना जरूरी है. एंड इवेंचुअली यू आर रेडी टू बेयर द सिन ऑफ योर ऑफेंडर. क्या मानते हो कि ठीक है उसने बुरा किया लेकिन मैं बिना कुछ वापस चाहे उससे आई एम रेडी टू. सो दैट मीन्स जब आप ये स्टेज पे पहुँचते हो तब आपको रिलीजन का सहारा मिलता है. यू आर टोल्ड बाय द रिलीजियस प्रीचर्स दैट दिस इज द वे टू बी, आपको लगता है भगवान का रास्ता है. कभी कभी रिलीजियस कॉम्पोनेंट फॉरगिवनेस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड राइट. हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. दैट इज व्हाट आई से.